आगामी पांच वर्ष पर हरियाणा जम्मू काश्मीर में क्या मिले शासन क्षमता आज आसव रिजल्ट आ कि समय पर आरंभ हो वोट गणति उभय हरियाणा जम्मू काश्मीर नबे लेखे आसने निर्वाचन फलाफल सामना को आसव निर्वाचन कमिशन पक्ष सकाल आठटार भोट गणति प्रस्तुति चूड़ांत हो कड़ा सुरक्षा बल रही गणति केन्द्र हरियाणा में 93 भोट गणति केन्द्र होता बेले जम्मू काश्मीर 28 भोट गणति केन्द्र में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर अक्टोबर 5 तारीख में हरियाणा निर्वाचन शेष होता गत सेप्टेम्बर 18-25 अक्टोबर 1 तारीख में होता जम्मू काश्मीर निर्वाचन भोट गणना प्रक्रिया को सुरखुरी करने को निर्वाचन कमिशन पक्ष प्रति गणति केन्द्र में पर्यवेक्षक नियुक्ति कर सर्वप्रथमें डाक बालाट पेपर भोट गणति पर ईवीएम भोट आरंभ हो गणति केन्द्र में प्रार्थी प्रार्थी प्रतिनिधि रिटर्निंग अफिसर सहायक रिटर्निंग अफिसर पर्यवेक्षक उपस्थित रहेंगे मतगणना केन्द्र में मोबाइल फोन सहित प्रवेश करने को प्रवेश अनुमति मिलना नहीं संपूर्ण प्रक्रिय वीडियो रिकॉर्डिंग करा जिवो हरियाणा रा 90 विधानसभा आसन में मोट 1031 प्रार्थी थी बेले जम्मू काश्मीर रही 873 प्रार्थी दीर्घ 10 वर्ष पर जम्मू काश्मीर निर्वाचन होइतबारु फलाफल पर समस्त नजर रही देखिए आज काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगी और काउंटिंग के संबंधित जितनी भी तैयारियां हैं उन सबको एक बारी फिर से रिव्यू किया गया है और जहां तक काउंटिंग के प्रोसेस की बात है सभी प्रोसेस में पूरा रिव्यू करने के बाद सभी चीज़ों को लेकर हमने संतुष्टि जाहिर की है और आज क्योंकि बहुत बड़ा दिन है काउंटिंग का और इसको लेके आप भी पूरी तरीके से इसको ऑब्जर्व करेंगे सभी लोगों से यही अपील है कि वो ECI की वेबसाइट पर results.eci.gov.in पे जाके कंटिन्यूअस लाइव रिजल्ट्स को देख सकते हैं और जो भी रिजल्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे हमारी जितनी भी काउंटिंग की तैयारियां हैं एज पर ECI गाइडलाइन वो एकदम बराबर जो है वो हमने करके रखी है जिसमें अगर हम बात करें कितने टेबल लगाने हैं पोस्टल बैलेट की काउंटिंग कैसे करनी है उसके लिए कितने टेबल चाहिए ETBVS के कितने कैसे कितने नाम्स हैं उस नाम्स के मुताबिक हमारे दोनों एसिस के सेपरेट जो है वो काउंटिंग हॉल हैं और हमने वहां पूरी तैयारियां करके रखी हैं। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।